रात प्रेस वार्ता की जा रही है, किन मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की जा रही है? प्रेस वार्ता के कई बिंदु हैं, गुर्जर समाज और एनबीसी समाज का जो आरक्षण है, उस आरक्षण में सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की विसंगति अपनाई जा रही है। आरक्षण का जो समुचित लाभ युवाओं को भर्तियों में नहीं मिल रहा है, उस मुद्दे पर आज की जो प्रेस वार्ता है वो आयोजित की जा रही है। जैसा कि भाई पहला जी ने बताया है आपको, इस प्रेस वार्ता के विभिन्न मुद्दे हैं। रीट भर्ती 2018 उसके अंदर जो बैकलॉग का प्रक्रिया दिन भर्तियों में जो बैकलॉग देने का प्रावधान किया गया था, वो बैकलॉग जो है पूर्ण रूप में नहीं मिल पा रहा है। युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, समाज के युवाओं के साथ जो कुठाराघात हो रहा है उसके विरुद्ध में हम लोग आवाज उठाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और युवाओं को न्याय दिलाकर ही हम दम लेंगे। सरकार को युवाओं की आवाज जो है वो सुननी पड़ेगी, जो भी न्याय उचित कार्रवाई है वो हर हालत में करनी पड़ेगी। अगर सरकार ने समय रहते हुए कार्रवाई नहीं करी तो सरकार की हम ईंट से ईंट बजा देंगे और युवाओं को हम हक दिलाकर ही मानेंगे। आरक्षण जो है वो हमको कोई फोकट में नहीं मिला है, वो जो है 72 शहीदों के बलिदान के बावजूद मिला है, तो उस आरक्षण को हम ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे और उसका संपूर्ण लाभ जो है समाज के युवाओं को सभी भर्तियों में जो मिलना चाहिए, इसलिए आज की जो प्रेस वार्ता है वो हमने आयोजित की है। सर आज जो आज एमबीसी वर्ग से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं? गुर्जर आरक्षण एमबीसी वर्ग की लंबित जो भर्तियां हैं, ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जो हमने ये प्रेस नोट बनाया है। इसमें 5 से 7 भर्तियां हैं जो हमारी अटकी हुई है, 372 को लेकर, पशु विभाग, आरटीएस, तमाम भर्तियों को लेकर, जहाँ जहाँ हमें लाभ नहीं मिला है, हमारे बहुत सारे परेशान हैं, इन सब को लेकर के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं। सर आने वाले समय में उपचुनाव, अगर आपकी मांगे नहीं मानते तो क्या विरोध होगा? अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आज हम सब लोग बैठ के फैसला लेंगे और जल्द 1 से 2 दिन में बड़ा धमाका भी करेंगे और ऐसा करेंगे जो राजस्थान सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेंगी।